जाति के लिए मुझे मारा गया, लेकिन वो धारा उन पे नहीं लगा है। देखिए यहाँ की है और ये सर हम सबको मार रही है, हमें भी मारी है, यहाँ की है। वो मेरे साथ लपड़ थप्पड़ नहीं हुआ है, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मेरा आँख वो फोड़ देती। वो फाइट से मारी थी ऐसे फाइट बनाकर। मैं बोली कि मैम मैं टिकट खरीद लेती हूँ, लेकिन वो मेरा कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। मेरे भैया यहाँ पे 20 साल से कुली का काम करते हैं, फिर वो बोली कि तुम्हारा बाप का प्लेटफॉर्म है, तो फिर वो हमें गाली देने लगी। तो मैं अपना फ़ोन लेकर उनका वीडियो बनाने लगी। रिया पासवान हूँ और मैं IPS विकास वैभव सर से सम्मानित हो चुकी हूँ, लेकिन वो मैं जैसे ही मैं रिया पासवान बोलती हूँ वो हमें मारने लगती हैं। मारपीट हुआ है और वहाँ के एक लोग कोई लोग दिल्ली जा रहे थे, वो लोग गवाही भी दिए हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा आपने बड़ा सुना होगा और उसमें नेताजी को एकदम हाथ उठाते हुए देखा होगा, मगर जब बिहार की बेटी किसी मुद्दे पर उठाती है तो वो ये रिया पासवान है, पैड गर्ल के नाम से फेमस भी हुई। इन्होंने जब अपना मुद्दा एक IAS ऑफिसर के सामने रखा तो वो पूरा मामला हुआ। अब उसके बाद इनको एक पहचान मिली। अब इनके आँख पे जो दाग देख रहे हैं, ये जो काला धब्बा है, वो धब्बा ये नहीं कि इनको जन्मजात है या फिर कोई पैदाइशी निशानी है, ये धब्बा किसी का दिया हुआ है, किसी का मार है, किसी का मुक्का है या किसी का तमाचा है। और इनके आँख के आंसू बता रहे हैं कि ये कितना इमोशनल है। जिस देश में बेटी के साथ बेटी को पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा लगता है, उस देश में बेटी रोने पे मजबूर है और आंख से आंसू निकल रहा है, ये बता रहा है। क्या हुआ आप बोलिए, आप खुलकर बताइए क्या हुआ। हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहुंच गए थे, तो मैं बोली कि मैम मेरे पास टिकट नहीं है, प्लेटफॉर्म टिकट नहीं है। हाँ, मैं टिकट खरीद लेती हूँ, लेकिन वो मेरा एक नहीं सुनी। वो वहाँ पे टीटी थी, अंजू नाम उनका था। अच्छा, महिला टीटी। महिला टीटी। हाँ। मैं बोली कि मैम मैं टिकट खरीद लेती हूँ। हाँ। लेकिन वो मेरा कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर मैं बोली कि मैम मेरे भैया यहाँ पे 20 साल से कुली का काम करते हैं। हाँ। फिर वो बोली कि तुम्हारा बाप का प्लेटफॉर्म है। हाँ। तो फिर वो हमें गाली देने लगी। तो मैं अपना फ़ोन लेकर उनका वीडियो बनाने लगी। हाँ। तो वो मेरा वीडियो फ़ोन छीन लेती है और उसके बाद मैं उनको बोलती हूँ कि मैम आपको पता नहीं है मैं रिया पासवान हूँ और मैं IPS विकास वैभव सर से सम्मानित हो चुकी हूँ। हाँ। लेकिन वो मैं जैसे ही मैं रिया पासवान बोलती हूँ वो हमें मारने लगती हैं। किस चीज़ से मारा था? वो फाइट से मारी थी ऐसे फाइट बनाकर। कौन से प्लेटफॉर्म पे? प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। प्लेटफॉर्म तो उस जगह पे तो आसपास CCTV होगा। हाँ हाँ पूरा है, लेकिन वो लोग हमें दिखाया गया था, लेकिन उसमें मारपीट वाला भी कुछ नहीं है। और फिर जब वो मेरे साथ मारपीट की तो मैं वहाँ से वो बोली जाने के लिए, लेकिन मैं गई नहीं वहाँ। मैं बोली कि अगर मैं अभी चली जाऊँगी तो फिर आप हर लोग को मारती होंगी, क्या गारंटी है कि आप हर लोग के साथ ऐसा नहीं करती। मैं वहीं पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास सीढ़ी के पास में बैठकर वहाँ हंगामा तो करने लगी। ऐसे ये जो हादसा हुआ आपके साथ, आप कह रही हैं मगर CCTV में रिकॉर्ड नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके साथ मारपीट हुआ और वो सीन CCTV में नहीं? पता नहीं, वो लोग कुछ किए होंगे क्योंकि मेरे साथ मारपीट हुआ है। हाँ। और वहाँ के एक लोग कोई लोग दिल्ली जा रहे थे, वो लोग गवाही भी दिए हैं। हाँ। कि इनका कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ मैडम बिना बात सुने हुए वो अपना पहचान बताने लगी तो वो मारपीट स्टार्ट की है। एक लड़का था जो कि दिल्ली जाने वाला था, पता नहीं चल भी गया है। का नाम क्या बताया आपने? अंजू। अंजू, तो आपके साथ कितने देर तक मारपीट हुई? मेरे साथ मारपीट तो 10 मिनट तक चला, लेकिन आधा घंटा तक मैं वहाँ पे हंगामा की और सबको बोली कि मैं नहीं जाऊँगी। अगर और जितने पब्लिक थे वो लोग कुछ नहीं कह रहे थे, चुपचाप देखते जा रहे थे। तो मैं सबको बोली कि अगर आप अभी हमें सपोर्ट नहीं कीजिएगा, कल अगर आपके बेटी के साथ होगा, बहन के साथ होगा तो देखिएगा। तो एक दो लोग मेरे सपोर्ट में बोले कि भाई आप ऐसे कैसे मार सकती हैं। तो वो जो अकेले मारा अंजू ने? हाँ, अंजू ने अकेले मारा। किस से मारा कि आँख पे इतना काला हो गया? वो पता नहीं, हाथ में कुछ बांधी हुई थी और वैसे कर मारी है। कितने दिन पहले का हादसा है ये? 14 तारीख 2 बजे समय, मतलब 14 परसों का है? परसों का है। तो ये 2 बजे दोपहर के समय? हाँ, वो मेरा जाति सुनते ही हमें मारने लगी। मतलब जाति सुनते ही नहीं समझा मैं? मैं रिया पासवान बोली, लेकिन तो वो मतलब आप पासवान समझ? हाँ, मैं बोली कि मैम मैं रिया पासवान हूँ। हाँ।
लेकिन वो पासवान सुनते ही वो मारने लगी। फिर मैं बोली भी कि मैम मैं आईपीएस विकास वैभव सर से सम्मानित हुई हूँ। तो आपने जब तक अपना रिया पासवान नाम नहीं बताया था उससे पहले उन्होंने नहीं मारा था। वो सिर्फ मुझे पकड़ी हुई थी लेकिन मारी नहीं थी। अच्छा। जैसे ही मैं रिया पासवान बोलती हूँ तब वो मुझे मारना स्टार्ट कर। इल्जाम लगा रही हैं कि मेरा जाति सुनकर उन्होंने मारा। हाँ, मेरा जाति सुनकर वो मारी है। तो आप पुलिस के पास गई? हाँ, जीआरपी पुलिस के पास गए थे और एफआईआर भी किए हैं, लेकिन जो जाति के लिए मुझे मारा गया लेकिन वो धारा उन पे नहीं लगा है। अच्छा। कुछ भी नहीं, सिर्फ वहाँ पे लिखा गया है कि लपड़ थप्पड़ हुआ है, लेकिन वो मेरे साथ लपड़ थप्पड़ नहीं हुआ है, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मेरा आँख वो फोड़ देती। तो देखिए, ये रिया पासवान है, पैड गर्ल से फेमस ये लड़की, जिन्होंने अपना मुद्दा उठाया था पैड वाली बात, उसके बाद इनको एक पहचान मिली थी। अब इनकी कहानी यह है कि ये एक नंबर प्लेटफॉर्म पे थी, आप वहाँ पे रहती हैं, एक टीटी आती हैं जिनका नाम अंजू है, वो इनसे टिकट मांगती हैं और इनके पास टिकट नहीं होता है तो ये कहती हैं कि आपने कहा था कि हम फाइन भरेंगे। हम बोले थे कि मैम मैं फाइन भरूंगी, फिर वो नहीं सुनी तो हम बोले कि मैम मेरे भैया कुली हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी नहीं सुनी। और इनका कहना है कि जब इन्होंने अपनी जाति मतलब रिया पासवान बताया तो जैसे उन्होंने ये नाम सुना उसके बाद मारपीट कर दी। रिया पासवान सुनते ही वो हम पे हाथ छोड़ दी। चलिए, तो ये इनकी जुबानी है, कितना सच कितना कहानी है वो पता नहीं, मगर जो अगर ऐसा हुआ है तो ये बिल्कुल गलत है। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।